इज्जत का सियासत का दावेदार है, वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं, अपना सियासी मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। आप मुझे चार नहीं एक मौका दें। मुस्लिम लीग नून दहशत के साथ पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। मुखालफीन की बहनों बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं है। नहीं चाहता कोई कारकुन नून लीग के जुल्म का सामना करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एन 127 टाउनशिप में जलसे से खताब। कहा, वोट को इज्जत दो के दावेदार अपने नजरिए को छोड़कर सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले अब नहीं कर सकते। पंजाब पर कभी शोबाज और कभी वसीम अक्रम प्लस मुसलत किया जाता है। पाकिस्तान भर में 30 लाख घर बनाकर दिखाऊंगा। मुझे चार मरतबा नहीं एक बार मौका दें। पीपल्स पार्टी मुल्क को मुआशी और जमहूरी बहरान से निकालेगी। पाकिस्तान में शेर की आवाज आएगी तो बिजली 100 यूनिट नहीं, इंशाल्लाह 300 यूनिट को पुश करेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए। 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्क की तकदीर बदल देगा। अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आइंदा 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली आवाम को देंगे। 3.5 साल में पीटीआई ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। नून लीग के कायदीन को झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया। 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर तुलू होगा। हमजा शहबाज का N118 के मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 2,32,667 अहलकार तैनात होंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स के 28,000 से ज्यादा अहलकार दरकार होंगे। 27,475 पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार दे दिया गया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर कम अज कम 6 पुलिस अहलकार तैनात किए जाएंगे। शहर में सर्दी अपने जोबन पर, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर 5वें नंबर पर मौजूद। मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में AQI 430, माल रोड 410 और जौहर टाउन में 390 रिकॉर्ड। तिबी माहरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं और फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। 2300 प्लॉट होंगे 7 मरले के और 3 मरले के 1000 प्लॉट होंगे। जो रिपोर्टर्स और जो चाहे वो प्रिंट के चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो 7 मरले के प्लॉट पे क्वालिफाई करेंगे और कैमरामैन और फोटोग्राफर जो हैं वो 3 मरले के प्लॉट पर क्वालिफाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रिपोर्टर्स और कैमरामैन को प्लॉट देने का ऐलान। रिपोर्टर्स 7 मरले, कैमरामैन के लिए 3 मरले के प्लॉट का ऐलान किया गया। अहले सहाफ़ी 28 जनवरी तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। वज़ीर इत्तला'आत आमिर मीर की अपील पर मोहसिन नकवी का न्यूज़ रूम के लिए भी 15% कोठा मुख्तस करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब का काबीना के हमराह कुर्बान लाइंस का दौरा। पुलिस अपार्टमेंट की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंसूबे बारे आगाह किया। मोहसिन नकवी की रिहाइश गाहों के फिनिशिंग वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, पुलिस के लिए बेहतरीन रिहाइश गाहें बनाई जा रही हैं। 31 जनवरी से कबल अपार्टमेंट्स के 3 फ्लोर मुकम्मल करके पुलिस अफसरों को अलॉट कर दिए जाएंगे। महंगाई का जोर नहीं टूट सका। लहसुन और अदरक 700, टमाटर 180 रुपये फी किलो में फरोख। प्याज सरकारी नर्ख 245 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 270 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। मटर 300, फूल गोभी और बंद गोभी 150,
अरबी 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। खजूर ईरानी 600, सेब 400, अमरूद 160 रुपए किलो, जबकि किनू 300 फी दर्जन में दस्तयाब।